पन्ना जिले के अमानगंज में बने बीएमओ ऑफिस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गुनोर ले जाने की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर को लेकर अमानगंज के छात्र संघ ने बाइक रैली निकाली। अमानगंज के नया बस स्टैंड से लेकर फव्वारा चौक के तहसील तक रैली निकाली गई और तहसीलदार अवंतिका तिवारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। काय का ज्ञापन दिया है, कैसा क्या है इस मामले में, थोड़ा सा आप जानकारी दें। उन्होंने मुझे इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि जो यहाँ सीएचसी है वो गुनौर में स्थापित की जाए अमानगंज के स्थान पर। तो इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भेजा है निर्माण मार्फत, तो जो भी उचित पत्राचारों को मेरे द्वारा किया जाए। अच्छा, तो बीएमओ कार्यालय जो है गुनौर जा रहा है, तो इसको लेकर कितने बजे ज्ञापन दिया गया है? ये ज्ञापन मुझे अभी आधे घंटे पहले लगभग 4 बजे दिया गया है, तो मैं इसको अपने वरिष्ठ स्तर पर पहुँचाऊँगा। ज्ञापन किसके नाम बताया गया है, किसके नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापित किया गया? किसके लिए ज्ञापन सौंपा गया हो, क्या मांगे रखेंगे? जैसा कि सर्वविदित है, विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय नेताओं ने जो बयानबाजी और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि ब्लॉक कार्यालय, मेडिकल कार्यालय जो अमानगंज का है, उसको स्थानांतरण कर गुनौर में ले जाया जा रहा है, उसको लेकर हमारे सभी नगर के युवाओं ने, छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज एक ये सद्बुद्धि मार्च निकाला है। और हमारी स्थानीय नेताओं से, क्षेत्रीय नेताओं से यही प्रार्थना है कि ऐसी बयानबाजी ना करें, क्योंकि अमानगंज के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता आ रहा है और अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अमानगंज के नेता भी आपको वोट देते हैं और यहां से चुनकर के आपको भोपाल भेजते हैं। इसलिए अमानगंज के साथ अब सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे से इस प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती है कि आप यहाँ से मेडिकल जे आपका जे बीएमओ कार्यालय अगर आपका गुनौर स्थानांतरण होता है, तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा और बड़े से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी और बड़ी संख्या में लोग, नगर के लोगों का सहयोग रहेगा और हमारी यही आशा है कि ऐसा होगा नहीं और आगे से ऐसी बयानबाजी ना आए जिससे कि नगर के लोगों को ठेस पहुंचे, नगर के युवाओं को ठेस पहुंचे। गया है किस संबंध में सौंपा गया है, क्या मांगे रखेंगे? जो ज्ञापन हम लोगों ने आज सौंपा है वो नगर में जो विगत दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से खबर प्रकाशित हो रही है कि जो क्षेत्रीय नेता है वो अमानगंज का जो बीएमओ ऑफिस है उसको गुनौर स्थानांतरित कर रहे हैं। तो जो अमानगंज उसको गुनौर स्थानांतरित किए जाने की मांग चल रही है लगातार, इसमें क्षेत्रीय नेता जो सत्ताधारी पार्टी के हों या फिर विपक्ष के हों, दोनों की पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं और क्षेत्रीय विधायक हैं, वो सभी मिलकर यही सिफारिश कर रहे हैं कि जो बीएमओ ऑफिस है वो गुनौर स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके विरोध में आज सभी हम लोग अमानगंज में इकट्ठे हुए हैं और इसके विरोध में कि बीएमओ ऑफिस अमानगंज में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, इसके विरोध में आज हम सभी लोगों ने नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए एक सद्बुद्धि मार्च निकाला है और इसके लिए कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। और अगर इसके बाद भी बीएमओ ऑफिस अमानगंज से चला जाता है तो इसके बाद क्या करेंगे? अगर इसके बाद भी अगर कोई इस प्रकार के बयान या स्टेटमेंट नेताओं के आते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, बाजार बंद, आमरण अनशन और भी कई उग्र आंदोलन करेंगे और यही कहेंगे कि जो कहावत है बुंदेलखंड में कि गांव से बड़ी बारात नहीं होती, यही कहेंगे। अगर समझदार हैं जो नेता, स्थानीय नेता हैं जो इस प्रकार की अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे यही कहेंगे कि नेताओं से कि गांव से बड़ी बारात नहीं होती और उग्र आंदोलन किया जाएगा जो उचित होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।